वेलकम दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपसे मिस ना हो पाए। तो दोस्तों, यह लेटर है जो मैं आपको एक एक करके लिख कर बताई। तो दोस्तों, यह एफ लेटर है जो मैं आपको बना कर बताऊँगी कि पूरा कैसे बनाया जाएगा। दोस्तों, आप लोग सब चाहते हैं कि अपना नाम या और भी कोई लेटर्स एक साथ लिखे पट्टी में, तो लेकिन आपसे हो नहीं पाता है। इसके लिए मैं एक एक वर्ड बनाकर आपको मैं अलग अलग बताऊंगी। इसके आधार पर आप जो भी वर्ड बनाना चाहती हैं एक साथ लेटर्स में, वो आप एक साथ बना लेंगी देख देख कर। तो पहले आप जितना चौड़ा पट्टी रखना चाहती है उसके अनुसार से आप चैन ले लें। चैन लेने के बाद आप उसमें बराबर से बारीकी से आप फंदे निकाल लें। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें, एंड तक देखें, आप स्टेप बाय स्टेप देखें, तभी आप पूरा समझ पाएंगे कि यह पूरा वीडियो कैसे बनाया गया है। उस जब आप देख लेंगे तो आपसे भी आसानी से यह बन जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, साथ में शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं, जब भी मैं अपलोड करूं वीडियो को, वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसे आसानी से देख लें। तो दोस्तों, मैं वीडियो कट नहीं की हूं, बारीकी से बताई हूं ताकि आपको आसानी से बनाने आ जाएगा। मैं रेड और वाइट कलर के ऊन का इस्तेमाल की हूँ। आप जो भी कलर के ऊन से बनाना चाहती हैं, उस पर लिखना चाहती हैं, वो आप आसानी से उस कलर का इस्तेमाल कर सकती हैं। देखिए दोस्तों, मैं बारीकी से सारे फंदे बना ली। इस तरह से आप भी बारीकी से बना लें। दोस्तों, हम अपने चैनल पे बहुत सारे डिज़ाइन अपलोड की हूँ जिसमें लेटर्स भी लिखकर बहुत सारे बताए हूँ। उसमें आपका गेट पर्दे डिज़ाइन, चांदनी डिज़ाइन, मेयर हैंगिंग या थालपोश डिज़ाइन, जो भी आप अगर बनाना चाहती हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हम अपने लिंक दे दी हूँ जिससे आप आसानी से बना सकती हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको किनारे से तीन चार जितना घर भी लेकर आप रखना चाहती हैं किनारे का, वो अपने आधार से रख लें। मैं इसमें
चार घर का इस्तेमाल की हूँ। उसके बाद से आपको रेड कलर का ऊन लगाना है, तब रेड कलर ऊन में गांठ लगा लें। उसके बाद क्रूस की मदद से लेकर आप व्हाइट से टाइट कर लें। उसके बाद से आपको व्हाइट ऊन को बीचों बीच में रख कर बनाना है, ताकि आपका व्हाइट ऊन इधर से उधर जाने में दिखाई नहीं दे। तो दोस्तों बीचों बीच में रख कर आपको बनाना है। तब बारीकी से बनाते जाए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बनाकर बताई हूँ। इसमें आप उसे ध्यान से देखें और बनाने की कोशिश करें, आपसे भी आसानी से यह डिज़ाइन बन जाएगा। कितने घर पे आपको लेना है, कितने घर पे छोड़ना है, वो मैं इसमें बना बना कर बताई हूँ। इसे आप देखें और बनाने की कोशिश करें, आप भी आसानी से बना सकते हैं इस डिज़ाइन को। तो आइए दोस्तों, देखिए वीडियो और समझकर बनाने की कोशिश कीजिए।
एक लेटर बन के पूरा रेडी हो चुका है जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। आप भी स्टेप बाय स्टेप देखे होंगे और आपको भी बनाने पूरा आ जाएगा। देखकर अगर आप बना रही हैं तो आपसे भी आसानी से यह बन जाएगा लेटर। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपसे मिस ना हो जाए। जब भी आप कमेंट बॉक्स में हमको अपना राय देती हैं तो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं दोस्तों, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। तो देखिए दोस्तों, मैं इफ कितना आसानी से बनाकर बता दी। इस तरह से आप भी इफ लेटर्स बना लें। ये उल्टे की तरफ से है और ये सीधा है, तो सीधा में आप ऐसे इफ रहेगा। मैं बहुत सारे लेटर्स पहले भी लिखकर बताई हूँ, ए एस ओ पी एम डब्ल्यू, तो आप इसको देखकर आसानी से बना लें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। थैंक्स फॉर